हेलो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट मैथ सब्जेक्ट ऑफ क्लास 5th. इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो, यू हैव टू ओपन योर बुक एंड लिसन टू मी केयरफुली. सो लेट्स कंटिन्यू. सो डियर स्टूडेंट्स, एज वी नो दैट वी वर स्टडाइंग एक्सरसाइज नंबर 6.4, इन दिस वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 1 एंड टुडे वी विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ दिस एक्सरसाइज. सो लेट्स कंटिन्यू. सो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 इज फाइंड द क्यूटेंट. यानी क्यूटेंट क्या कीजिए. क्यूटेंट मीन्स क्या होता है? भागफल. ठीक है, तो हमें डिवाइड करना है डेसिमल नंबर्स को, हमें डिवाइड करना है, उसके बाद हमें क्यूटेंट फाइंड करना है. तो कैसे फाइंड करेंगे देखेंगे नोटबुक में. तो बच्चों स्टार्ट करते हैं. सो डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज हमारी 6.4, एक्सरसाइज 6.4, जिसमें 2 का ए है 2.7 डिवाइड बाय 3. ठीक है, 2.7 को 3 से डिवाइड करेंगे. तो बच्चों इसमें हम क्या करेंगे, देखो इसको हम 2.7 अपॉन 3 राइट कर सकते हैं, 2.7 अपॉन 3 राइट कर सकते हैं. और बच्चों हम जानते हैं कि 27 और 3 कॉमन नंबर 3 से डिवाइड है, 3 9 27 3 1 3. तो ये 9 अपॉन 1 आ गया. बच्चों पॉइंट की नेट के बाद यहाँ पर 1 डिजिट के, तो 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे, और पॉइंट से पहले कुछ नहीं, 0, और 1 अपॉन में है तो उसको छोड़ देते हैं. 0.9 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया है. तो ये हो गया डिवाइड. उसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर बी है स्टूडेंट 6.0 डिवाइड बाई 4. तो बच्चों 6.0 यानी पॉइंट आया है और पॉइंट के बाद 0 है. तो मैंने आपको बताया था यदि पॉइंट के बाद 0 0 आते हैं तो पॉइंट और 0 को हटा सकते हैं. तो बच्चों ये क्या है, दरअसल 6 ही है, तो 6 अपॉन 4 इसको हम राइट कर सकते हैं. अब बच्चों 6 और 4 किससे डिवाइड होंगे, 2 से डिवाइड हो जाएंगे. तो 2 3 6 2 2 4, तो 3 अपॉन 2 आ गया. अब 3 को 2 से डिवाइड कर लो, तो 3 को यदि हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 2 5 1, पॉइंट लगाओ 0 बढ़ाओ 2 5 10, तो 1.5 आ गया है. तो ये आंसर आ गया. उसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर सी है 36.24 डिवाइड बाय 12. तो बच्चों इसको हम 36.24 अपॉन 12 राइट कर सकते हैं. अब एक काम करेंगे, 36.24 को 12 से डायरेक्टली डिवाइड करेंगे, 3624 पॉइंट लगा लो. ठीक है, तो 12 3 जा कितने होते हैं, 36. अब बच्चों पॉइंट लगा हुआ है तो पॉइंट लगा दो. ठीक है, अब राइट करें 2, लेकिन 2 क्या हो गया बच्चों, 2 हो गया हमारा छोटा, तो 0 लगाएंगे. नेक्स्ट डिजिट राइट करेंगे तो 12 2 जा 24 हो जाएंगे, फिनिश हो गया है. तो 3.02 आ गया. तो स्टूडेंट्स ये है हमारा आंसर. उसके बाद आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर डी. क्वेश्चन नंबर डी है 56.4 डिवाइड बाई 4.8. 56.4 डिवाइड बाय 4.8. तो बच्चों 56.4 अपॉन 4.8 है. बच्चों यहां पर हम देख सकते हैं ऊपर भी वन डिजिट के बाद पॉइंट है, नीचे भी वन डिजिट के बाद पॉइंट है. तो बच्चों यदि ऊपर और नीचे यानी न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में जो पॉइंट है वो सेम डिजिट के बाद है, यानी जैसे वन डिजिट के बाद ऊपर है, वन डिजिट के बाद नीचे है, तो पॉइंट से पॉइंट हम हटा सकते हैं. तो ये हो जाएगा 564 अपॉन 48. ठीक है, अब हम 564 को 48 से डिवाइड कर सकते हैं. तो यहां पर मैं डिवाइड कर लेता हूं 564 को 48 से कर लेता हूं. तो 48 से 1 टाइम जाएगा, पहले 48 आएगा, 6 में से 8 जाएंगे, नहीं जाएंगे तो कैरी कर लेंगे. तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा हमारा 16 में से 8 के बचे 8 राइट कर लो 4. ठीक है, तो 48 की अगर हम 2 टाइम करेंगे तो 48 टू जा कितने होते हैं, 96 हो तो ज्यादा हो जाएगा, तो 1 टाइम जाएगा तो 48 आ गया. यहां बच्चों 14 में से 8 गए कितने बचे, 6 बचे. यहां 7 में से 4 गए तो 3 बचे, पॉइंट लगा लो आप, 0 बढ़ा लो. ठीक है, अगर हम 48 की 8 वर टाइम करें तो ज्यादा आएगा. अगर हम 48 की बच्चों 7 टाइम कर लेते हैं, तो 48 की अगर हम 7 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो
336 आएगा, कितनी टाइम की हमने, 7 टाइम, ठीक है। अब माइनस करो तो बच्चों 10 में 6 गए 4 और 5 में से 3 गए 2, पॉइंट लगा हुआ, 0 बढ़ा सकते हैं बच्चों, कितनी बार जाएगा, अगर हम 48 की 5 टाइम्स करें तो 240 आएगा, तो पूरा पूरा कट जाएगा, तो आ गया यहाँ 5। तो बच्चों इसका आंसर आया 11.75, ये आ गया इसका आंसर, ठीक है। आगे बच्चों डी के बाद आता है क्वेश्चन नंबर ई। क्वेश्चन नंबर ई है स्टूडेंट 0.225 डिवाइड बाय 0.25, ठीक, इसको हम राइट कर सकते हैं 0.225 अपॉन 0.25। बच्चों देखो हम पॉइंट हटा सकते हैं, यानी नीचे क्या है, टू डिजिट है, ऊपर थ्री है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ जीरो बढ़ा लेंगे, अब यहाँ भी थ्री डिजिट हो गई है, जहां कम डिजिट होती है वहां जीरो बढ़ा लेते हैं, पॉइंट से पॉइंट हम हटा सकते हैं, तो ये हो गया 225 अपॉन 250, ठीक। तो बच्चों 25 से हम इनको काट सकते हैं, 25 9 जा होते हैं 225 और 25 10 जा कितने होते हैं 250, तो 9 अपॉन 10 आ गया। बच्चों हम जानते हैं कि यदि 9 को 10 से, यानी 10 से 100 से 1000 से कैसे डिवाइड करते हैं, तो 100 के बाद पॉइंट लग जाएगा, ये हो जाएगा 0.9, तो ये हो गया आंसर। आगे स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर एफ, क्वेश्चन नंबर एफ है 10.15 डिवाइड बाय 1.45, तो 10.15 अपॉन 1.45, पॉइंट जो है 2 के बाद तो हटा दो, तो ये हो गया 1.45। बच्चों किससे काट सकते हैं, 5 से काट सकते हैं, 5 टू जा 10, 5 3 जा 15, 5 टू जा 10, 5 9 जा 45, तो 203 अपॉन 29 आ गया। अब 203 को क्या कर लें, डिवाइड कर लें, तो 203 को मैं डिवाइड कर लेता हूं 29 से, तो बच्चों अगर हम 29 की 7 से करें, 7 9 जा 63, 7 2 जा 14 और 2 कितने, 14 और 6 कितना हो गए 20 हो गए, तो 203 आ रहा है, ठीक है, तो 7 टाइम जाएगा 203 आएगा, तो ये आ गया बच्चों 7, क्या गया 7, ठीक है, ये आंसर आ गया। उसके बाद जी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जी है 2.112 डिवाइड बाय 6.6, तो 2.112 अपॉन 6.6, पॉइंट हटा लेंगे, नीचे दो जीरो बढ़ा लेंगे, तो ये हो गया 2112 अपॉन 6600, ठीक है। तो बच्चों इसको हम राइट कर सकते हैं, 3 से काट लो पहले, ठीक है। तो बच्चों 6 से भी काट सकते हैं, 6 3 जा 18, बचा कितना यहां पर बच्चों, 6 3 जा 18, यहां पर बचा 3, 31 हो गया, तो 31 हो गया, तो 3 4 6 से काट रहे हैं, तो 6 3 जा 18 बचे 3, तो 31 हो गया, और 6 4 जा 24, ठीक है, तो 24 आया, और बचे यहां पर 6 3 जा 18, ये स्टूडेंट 5 टाइम जाएगा, 6 5 जा 30 बन हो गया था ना, बचा 1 12 हो गया, और 6 2 जा 12, तो 352 आ गया, इसे काटो 6 1 जा 6 1 जा 00 आ गए, तो बच्चों हमारे पास 352 अपॉन 1 1 00 आ गया है। तो अगर बच्चों हम इसको 11 से काटें, तो 11 से डिवाइड हो जाएगा, 11 3 जा 33 बचे 222 हो गया, 11 2 जा 22 11 जा, तो ये हो गया बच्चों 32 अपॉन 100, हम जानते हैं कि 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.32 आएगा, तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे चलते हैं बच्चों, आगे इसका क्वेश्चन नंबर एच बचा है, जो आप अपने आप करेंगे, ठीक है, एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूं जो आपको अपने आप करना है। तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 2 फिनिश किया है 6.4 एक्सरसाइज का, नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, जब तक के लिए थैंक यू, अपना वर्क पूरा करते रहें।